नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। मैं हूं आपके साथ मुस्कान अजमानी। चलिए रुक करते हैं देश और दुनिया की 100 बड़ी खबरों की ओर। असम से नवंबर तक केएफएसपीए को पूरी तरीके से हटा लिया जाएगा। मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा सरमा का बड़ा ऐलान, मौजूदा समय में अफस्पा राज्य में केवल 8 जिलों में लागू है। राज्यसभा सदस्यों के वेतन भत्तों पर 2 साल में खर्च हुए 200 करोड़ रुपए, इस साल सबसे निचले स्तर पर पहुंचा कामकाज। बजट सत्र के दौरान हुआ सबसे कम 24% का। ऑस्ट्रेलिया के शीर्ष उद्योगपतियों से मिले पीएम मोदी, निवेश के लिए किया आमंत्रित। अब से बैंकों में बदले जाएंगे 2000 के नोट, आरबीआई ने कहा, ना तो घबराए ना जल्दबाजी करें। अध्यादेश के बाद पहला आदेश दिल्ली में, सतर्कता विभाग के विशेष सचिव राजशेखर बहाल। राजशेखर ने उपराज्यपाल को लिखी थी चिट्ठी। नए संसद भवन के लोकार्पण का बहिष्कार कर सकता है विपक्ष, खड़गे ने लगाया दलित आदिवासी समुदाय के अपमान का आरोप। लोकतंत्र के मंदिर में ना हो व्यवधान, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ बोले, राष्ट्रहित के मुद्दों पर बहस और संवाद जरूरी। G20 मीटिंग का दूसरा दिन, भारत बोला फिल्मों की शूटिंग के लिए कश्मीर से बेहतर जगह कोई नहीं, चीन समेत 5 देश हिस्सा नहीं ले रहे। आम आदमी पार्टी को मिला कांग्रेस का साथ, संविधान बचाने के लिए केजरीवाल विपक्ष का समर्थन जुटाएंगे आज ममता, कल उद्धव और परसों शरद पवार से मुलाकात। दो हजार के नोट लाने के पक्ष में नहीं थे मोदी, बताया था जमाखोरी का खतरा, इच्छा नहीं होने पर भी दी थी अनुमति। शरद पवार बोले, मैं पीएम पद का दावेदार नहीं, कहा लोकसभा चुनाव ही नहीं लड़ूंगा, सिर्फ विपक्ष को एकजुट करने की कोशिश कर रहा। नफरत के बाजार में खोल रहे मोहब्बत की दुकान, अंबाला में ट्रक की सवारी करते देखे राहुल गांधी तो बोले, कांग्रेस से डिलीवरी बॉय के साथ की थी स्कूटर की सवारी। अब वोटर लिस्ट में खुद ही जुड़ेगा और हटेगा आपका नाम, गृह मंत्री अमित शाह ने कर दिया ऐलान, हमारे देश में विकास मांग आधारित रहा। देश के शिक्षा बोर्ड अपना सकते हैं परीक्षा का एक जैसा फॉर्मूला, मंत्रालय ने एक रूपता लाने की पहल की तेज, दूसरे राज्यों में शिफ्ट होने पर बच्चों को होती है भारी परेशानी। ममता के गढ़ भवानीपुर से भाजपा शुरू करेगी चुनावी अभियान, 6 भाषाओं में मोदी सरकार की उपलब्धियों की हैंडबुक बांटेंगे। मिशन 2024 की तैयारियों में जुटे अखिलेश यादव, 29 मई को सपा करेगी बैठक, आगामी लोकसभा चुनाव पर होगी चर्चा। अररिया में दबंगों के हौसले बुलंद, दबंगों ने बस कंडक्टर को बेरहमी से पीटा, बस में बैठी महिला सवारियों से भी किया भद्रता। बाराबंकी में वन विभाग को घंटों मेहनत के बाद मिली सफलता, शारदा नहर से पकड़ी गई दूसरी डॉल्फिन, डॉल्फिन को रेस्क्यू कर सरयू नदी में छोड़ा। बुलंदशहर में पति ने पत्नी को दी जान से मारने की धमकी, पीड़िता ने एसएसपी से लगाई न्याय की गुहार, पीड़िता महिला को 2 बच्चों के साथ घर से बाहर निकाल दिया गया है।
यूपी कांग्रेस कमेटी ने लखनऊ में की बैठक, पार्टी के सभी प्रांतीय अध्यक्षों ने लिया हिस्सा। बैठक की अध्यक्षता कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष बिजलाल खापरी ने की। ₹2000 के नोट चलन से बाहर, सपा नेता राम गोपाल यादव ने दी प्रतिक्रिया, कहा 2000 के नोट की छपाई में 1500 करोड़ बर्बाद किए। कानपुर में गंगा आरती कार्यक्रम का हुआ आयोजन, हजारों की संख्या में शामिल हुए श्रद्धालु, सभी लोगों ने गंगा आरती की और मां का आशीर्वाद लिया। बीजेपी नेता संगीत सोम का दावा, यूपी के सभी अवैध मजारे होंगे ध्वस्त। संगीत सोम ने मुगलों के खिलाफ महाराणा प्रताप की लड़ाई को याद किया। पीलीभीत में रेलवे स्टेशन के नाम बदलने का मामला, नाम बदलने को लेकर जोरदार प्रदर्शन, ट्रेन बंद होने से व्यापार पर भी काफी फर्क पड़ा। संबल में अवैध अतिक्रमण पर चला बुलडोजर, बुलडोजर चलने से व्यापारियों में मचा हड़कंप, एसडीएम ने पूरे शहर को अतिक्रमण मुक्त करने की बात कही। देवरिया में सरकारी अस्पताल की व्यवस्था पर उठा सवाल, बीमार महिला कैदी को नहीं मिला स्ट्रेचर, चटाई पर लाद कर पुलिसकर्मियों ने बेड तक पहुंचाया। सपा एमएलए इरफान पर गैंगस्टर एक्ट में चार्जशीट, 50 करोड़ की संपत्ति होगी सीज, पुलिस अफसरों का पैनल समीक्षा कर रहा। लखनऊ में सेलिब्रेशन मैरिज लॉन के फोर्थ माले पर लगी आग, फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने आग पर पाया काबू, फायर स्टेशन की गाड़ियों ने आग पर पाया काबू। लखनऊ में दबंगों के हौसले बुलंद, दबंगों ने युवक को पीट पीट कर किया घायल, मारपीट के बाद घर में की बमबाजी। लखनऊ में अवैध अस्पतालों के खिलाफ 6 जून से अभियान, स्वास्थ्य विभाग चलाएगा अभियान, सीएमओ ने नगर के सभी प्रभारियों से मांगी जानकारी। सुल्तानपुर में डीएम ने मेधावी छात्र छात्राओं को किया सम्मानित, छात्रों को मेरिट लिस्ट में आने के लिए दी बधाई। करवट ले सकता है यूपी का मौसम, आंधी बारिश के आसार, प्रदेश में झांसी रहा सबसे गर्म। कौशाम्बी में पुलिस को मिली बड़ी सफलता, छात्रा से दुष्कर्म करने वाला आरोपी गिरफ्तार, पीड़िता के पिता ने अज्ञात रेपिस्ट के खिलाफ दर्ज कराया था मुकदमा। ज्ञान व्यापी पर वाराणसी जिला जज का बड़ा आदेश, एक साथ सुने जाएंगे सभी 7 मामले। बिजली चोरी रोकने के लिए रात में भी पड़ेंगे छापे, कॉरपोरेशन के अध्यक्ष ने दिए निर्देश, 24 घंटे मोबाइल गैंग फील्ड में तैनात रहेंगे। छात्रा ने एफबी पर साझा किया दर्द, शिक्षकों पर लगाया यौन शोषण का आरोप, बोली शौक है रावण बनने का तो हर्ष याद रहे। प्रेमी युगल से अभद्रता, गैर मजहब के युवक संग होटल के कमरे में थी युवती, तभी पहुंच गए धार्मिक संगठन के लोग। के नोट बदलने की प्रक्रिया शुरू, ग्राहकों को असुविधा ना हो इसके लिए कई बैंक शाखाओं में अलग से काउंटर लगाए गए। गड़ी में लापता युवक की गला रेत कर हत्या, पहचान मिटाने को तेजाब से जलाया चेहरा। अट्ठावन साल की सास ने बेटे को दिया जन्म, विधवा बहू ने खड़ा किया हंगामा, बोली संपत्ति के लिए पैदा किया वारिस।
दिन में चरम पर रहेगी गर्मी, लू ने भी किया परेशान, रात को बूंदाबांदी से राहत के आसार। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम यूनिवर्सिटी में 4 महीने बाद भी रिजल्ट नहीं आया, अगली परीक्षा 5 जून से, एजेंसी का चयन भी नहीं हुआ। बदलने लगे 2000 के नोट, बैंकों में लगी लोगों की लाइन, अफवाहों पर ना दे ध्यान। पेड़ से टकराई रोडवेज की बस, 2 सगी बहनों समेत 7 यात्री घायल, मुर्धवा मोड़ के पास हुआ हादसा। एसबीआई में नोट बदलने के लिए नहीं लगेगा प्रूफ, 905 शाखाओं में बदले जा रहे 2000 के नोट। देहरादून पहुंची वंदे भारत ट्रेन, आज होगा दून से दिल्ली के बीच ट्रायल, 25 को उद्घाटन। चीन और इटली के सदस्य पहुंचे उत्तराखंड, स्वागत में छोलिया नृत्य कर रहे कलाकार और संघ झूमे। केदारनाथ में आज खुलेगा पोर्टल, 28 मई से 15 जून तक की यात्रा के लिए बुक होंगे टिकट, बिना पंजीकरण के टिकटों की बुकिंग नहीं हो पाएगी। सांप को जिंदा चबा गया मकान मालिक, वन विभाग ने युवक के खिलाफ भारतीय वन्यजीव अधिनियम के विभिन्न धाराओं के तहत चालान किया। आज से बदलेगा मौसम का मिजाज, पहाड़ से मैदान तक बारिश का येलो अलर्ट, चारधाम यात्रा बरते सावधान। तीर्थ यात्रियों को राहत, जल्द शुरू होगी हेमकुंड के लिए हेली सेवा, नहीं बढ़ेगा किराया। कर्मचारियों को मिलेगी बढ़े हुए महंगाई भत्ते की सौगात, सीएम ने दी प्रस्ताव को स्वीकृति। चार धाम और सभी धार्मिक स्थलों में काम कर रहे बाहरी लोगों का होगा सत्यापन, सीएम ने दिए निर्देश। क्लास ने मनोज बन युवती को छला एफबी पर दोस्ती, शादी का झांसा देकर कई बार बनाए संबंध। देहरादून में 39 डिग्री पहुंचा तापमान, गर्मी ने छुड़ाए पसीने, बारिश के आसार। केदारनाथ में मौसम हुआ खराब, 2 बजे के बाद सोनप्रयाग से आगे नहीं भेजे गए यात्री। बाबा के जयकारों के बीच खुले द्वितीय केदार भगवान के कपाट, 350 श्रद्धालु रहे मौजूद। जोशीमठ में जारी है पीड़ित परिवारों का आंदोलन, समर्थन करने पहुंची मेघा पाटेकर तो भाजपाइयों ने दिखाए काले झंडे। उत्तराखंड में 416 मजारों का वजूद, खत्म हुआ लैंड जिहाद पर धामी सरकार का एक्शन। अल्मोड़ा में खो चुका 8वीं सदी का कुटुंबरी मंदिर, एएसआई के सर्वे में चौंकाने वाला खुलासा, आधा दर्जन घरों में है मंदिर की सामग्री। व्हाइट हाउस के नजदीक बैरिगेड से टकराया ट्रक, अफरा-तफरी का माहौल, खाली कराया गया होटल।
इमरान के समर्थन में प्रदर्शन करने वालों पर आर्मी एक्ट के तहत होगी कार्रवाई, सरकार का प्रस्ताव पास। G7 के बयान से तिलमिलाया चीन, यूएस के इस चिप के इस्तेमाल पर लगाया बैन, अमेरिका ने जताई चिंता। पूर्व गोरखा सैनिक ने कृत्रिम पैरों से फतेह किया एवरेस्ट, लगभग खत्म हो गई थी ऑक्सीजन। अमेज़न संस्थापक जेफ बेसोज ने गर्लफ्रेंड लॉरेंस संचेस से की सगाई, कांस फेस्टिवल में अंगूठी पहनी नजर आई। सिडनी में पीएम मोदी आज ओलंपिक पार्क में भारतीय समुदाय के लोगों को संबोधित करते हुए दिखे। गुयाना में एक स्कूल के छात्रावास में लगी भीषण आग, 19 बच्चों की मौत, 9 अन्य घायल। बिछड़े भाई बहन 75 वर्ष बाद करतारपुर गलियारे में दोबारा मिले, सोशल मीडिया के जरिए हुआ संभव। जमा पाक के आवास का लग्जरी टैक्स 14 लाख से अधिक, पीएम ने पूर्व ISI प्रमुख को हटाने का कारण बताया। पीएम मोदी बोले, रूस पर भारत के रुख का ऑस्ट्रेलिया से रिश्तों पर असर नहीं, इसे और आगे ले जाना चाहेंगे। SBI के बाद 2000 के नोट बदलवाने के लिए PNB ने भी जारी किया दिशा निर्देश। बाजार में हरियाली बरकरार, सेंसेक्स 150 अंक चढ़ा, निफ्टी 18,350 के पार पहुंचा। शादियों के सीजन ने बढ़ाई वाहनों की मांग, कॉम्पैक्ट SUV का आकर्षण। बीस फीसदी घट सकती है गेहूं की सरकारी खरीद, कुछ राज्यों में एक महीने में 5% तक बढ़ा भाव। वैश्विक स्थिति और मौसम की मार से GDP में गिरावट और महंगाई बढ़ने का जोखिम, रिकॉर्ड उत्पादन संभव। धन शोधन मामले में ईडी के सामने पेश हुए जयंत पाटिल, 9 घंटे से ज्यादा देर तक कोई पूछताछ का सभी आरोप झूठे। RBI की घोषणा के बाद Zomato को परेशानी, कैश ऑन डिलीवरी में 2000 के नोटों की भरमार। सोने में 120 रुपए की गिरावट, चांदी 500 रुपए फिसली, सोना 120 रुपए टूटकर 60,580 रुपए प्रति 10 ग्राम पर आया। दुनिया का सबसे पतला 5G स्मार्टफोन मोटरोला S40 हुआ लॉन्च, 6.55 इंच 3D कर्व डिस्प्लेस के साथ अंडर वाटर प्रोडक्शन। फ्यूल की कीमतें, पेट्रोल डीजल के दामों में कोई बदलाव नहीं, राजस्थान में पेट्रोल 113 रुपए लीटर के ऊपर। प्लेऑफ में IPL की दो टीमें सबसे सफल रही, धोनी रोहित के सामने होगी हार्दिक और कुणाल पांड्या की परीक्षा। प्लेऑफ में नहीं पहुंची RCB टीम तो गुस्सा हुए कप्तान फाफ ड्यूप्लेसिस, दिनेश कार्तिक पर फोड़ा हार का ठीकरा, ड्यूप्लेसिस ने कहा शुभमन और कोहली की तारीफ की।
प्लेऑफ से बाहर हुई टीमों ने दिए सात फ्यूचर स्टार्स। रिंकू सिंह ने बनाए 474 रन, प्रभसिमरन और जायसवाल ने लगा शतक। नीरज चोपड़ा दुनिया के नंबर वन जैवलिन थ्रोअर बने, ऐसा करने वाले देश के पहले एथलीट, 8 महीने से वर्ल्ड नंबर 2 पर थे। आईसीसी ने अंपायर जतिन कश्यप पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया, 14 दिन में जवाब मांगा, जिला स्तरीय अंपायर है जतिन। गुजरात के खिलाफ मैच में चोटिल हुए कोहली, डब्ल्यूटीसी फाइनल से पहले टीम इंडिया की बढ़ी टेंशन। एम्बाप्पे के 2 गोल से जीता पीएसजी, खिताब के दहलीज पर ऑक्सस को 2-1 से हराया। सतियान क्वार्टर फाइनल में पहुंचे, मनिको और शरत के साथ मिलकर हासिल की जीत। ओडीआई वर्ल्ड कप 2023 से पहले शाहिद अफरीदी का भड़कीला बयान, कहा ऐसा करना बीसीसीआई के मुंह पर बड़ा तमाचा होगा। डब्ल्यूटीसी फाइनल 2023 के लिए रवि शास्त्री ने चुनी अपनी पसंदीदा प्लेइंग 11, इन स्टार्स प्लेयर्स को नहीं दी टीम में जगह। साउथ के दिग्गज एक्टर शरत बापू के निधन पर पीएम मोदी ने जताया शोक, ट्वीट कर लिखा हमेशा किया जाएगा याद। आदित्य सिंह राजपूत की मौत, बाथरूम में मिली लाश, एक रात पहले की थी पार्टी। प्रियंका ने राघव पर किया तलाक तो परिणीति को आई बहन की शादी की याद, निक को हल्दी लगाते शेयर की तस्वीर। आरआरआर एक्टर रे स्टीवेंसन का 58 साल की उम्र में निधन, शोक में डूबे एसएस राजामौली। आदित्य सिंह राजपूत की मौत की खबर से सदमे में सेलेब्स अशोक पंडित बोले विश्वास नहीं हो रहा। आदा शर्मा की द केरला स्टोरी की कमाई 200 करोड़ के हुई पार, 18वें दिन भी कमाई शानदार रही। बंगला साहिब गुरुद्वारे में दर्शन करने पहुंचे नवाजुद्दीन सिद्दीकी, नेहा शर्मा सामने आया खूबसूरत वीडियो, नेहा शर्मा ने किया जोगीरा सारा नारा का प्रमोशन। श्रुति हसन ने कास्ट रेड कार्पेट पर किया वॉक, ब्लैक ड्रेस में बिखेरा हुस्न का जलवा। खुद को अच्छा कुक नहीं मानती है प्रियंका चोपड़ा, बोले पिता ने हमेशा किचन में जाने से रोका, मैंने कभी खाना बनाना नहीं सीखा। लास्ट मोमेंट पर सत्यप्रेम की कथा में किया गया चेंज, दर्शकों को लुभाने के लिए जोड़ा गया खास गाना, गाने पर सोलो परफॉर्म करेंगे कार्तिक आर्यन। में फिलहाल के लिए बस इतना ही, देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप बने रहिए प्राइम टीवी के साथ। कुछ भाव पुष्प, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।